हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द डे 3 ऑफ सिंगापुर व्लॉग्स। तो अभी हम सुबह उठ गए हैं एंड आई हैव चेंज्ड इनटू माय आउटफिट टुडे। और अभी मैं दर्शन को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। हाय बोलो। हाय। अभी वो बहुत ही ग्रम्पी मूड में है, तो अभी हम उसको स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। और उसके बाद अभी हमारा प्लान है कि भैया को एक म्यूज़िक वीडियो शूट करना है, तो हम उसके लिए जाएंगे। अभी लोकेशन डिसाइडेड नहीं है, सो लेट्स सी वेयर वी गो। तो दो दिन से हम बीच पे जा रहे हैं, मुझे बीच पे जा जाके इतनी ज़्यादा टैनिंग हो चुकी है एंड प्लस मैं इधर बहुत कम वाटर इनटेक कर रही हूँ, तो डिहाइड्रेशन की वजह से मेरे फेस पे पिंपल्स होने लग गए हैं दोबारा। सो दैट इज़ द अपडेट। ये पीछे हमारी म्यूजिक वीडियो की मॉडल आ रही है, इनका मेकअप मैंने किया एंड शी लुकिंग सो ब्यूटीफुल। यू वेलकम। तो अब हम जा रहे हैं अपने लोकेशन पे। लोकेशन क्या है वो हमें अभी तक नहीं पता है, क्योंकि वो भैया को ही पता है, क्योंकि वो भैया को ही पता है। तो अभी हमने इधर लोकली ट्रैवल करने के लिए अपने पासेस के कार्ड्स बनवा लिए हैं और अब हम जा रहे हैं बस स्टॉप पे। गाइज अब हम इस लोकेशन पर पहुंच गए हैं। काफ़ी ग्रीनरी है, इट इज़ काइंड ऑफ जंगल टाइप एरिया, बहुत सुंदर एरिया है। और यहाँ पे हमारा शूट चल रहा है, वो हमारा आधा क्रू वहाँ पे बैठा हुआ है जिनको कोई काम नहीं है। ये कैमरामैन है, कैमरामैन का असिस्टेंट है, वो हमारी मॉडल है और उनका शूट चल रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ BTS शॉट्स। The next day. So guys, this is the day 4 of our Singapore vlog. मैं ये वाला vlog day 4 में continue कर रही हूँ, because कल जब हम shoot से वापस आए थे तो everybody was so tired कि सब लोग आके सो गए थे। और उसके बाद शाम को we had a party indoors, so I didn't vlog that. और भैया का birthday भी था, तो 12 बजे हमने उनका birthday celebrate किया। फिर आज सुबह हम उठे हैं और आज का प्लान है टू विजिट सम ऑफ द काइंड ऑफ फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हियर इन सिंगापुर। तो अभी हमने मेट्रो ली थी एंड वी आर हियर एट क्लार्क की, एंड अभी हम कहीं जा रहे हैं। आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द प्लेस एग्जैक्टली, बट या दिस इज द लुक ऑफ द डे। मैंने इतने शौक से हील्स पहनी थी आफ्टर 3 ईयर्स और मेरा पैर ट्विस्ट हो गया। सो थैंक गॉड कि मुझे ये डाउट था कि मेरा पैर ट्विस्ट हो सकता है, तो इसलिए मैं बैकअप के लिए फ्लैट्स लेके आई थी। एंड या नाउ वी आर गोइंग एंड आई शो यू द प्लेसेज एज एन यू व्हेन वी विजिट। सो उस टनल से निकल के द फर्स्ट थिंग दैट वी सॉ इज द मरीना बे सैंड्स एंड इट लुक्स सो प्रिटी। आई विल जस्ट शो यू द व्यू अराउंड। हेलो हेलो। दैट देयर इज द मरीना बे सैंड्स। अभी हम उधर ही जा रहे हैं एंड दिस लुक्स ब्यूटीफुल। मीन ये तो हमारे सीपी जैसा ही लग रहा है, बस कलरफुल विंडोज है, बट अदर देन दैट दिस प्लेस इज सो प्रिटी। आई एम एक्चुअली इन लव विद दिस कंट्री। Oh,
हो रही है अभी थोड़ी देर पहले तो मौसम ठीक हो गया था एंड इट वॉज इवन ड्रिजलिंग बट अभी फिर से धूप निकल आई है एंड ऑल माई मेकअप इज मेल्टिंग ऑफ बाप रे इतनी ज़्यादा गर्मी है इट इज़ वे टू हार्ड टू क्लिक फोटोज क्योंकि आँख भी नहीं खुल रही है एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द धूप द एनर्जी इज एब्सोल्यूटली ड्रेनिंग भी देखते हैं हम थोड़ी देर में शायद से विल हैव लंच बट मुझे तो लग रहा है मुझे डिहाइड्रेशन हो गया है बट दिस प्लेस इज सो ब्यूटिफुल इतना ज़्यादा सुंदर है कि यहाँ से तो वापस ही जाने का मन नहीं कर रहा है एवरीथिंग इज सो क्वाइट एंड ब्यूटिफुल आई एम एब्सोल्यूटली लविंग इट हियर दिस इज सच अ ब्यूटिफुल कंट्री आई मीन आई एम जस्ट लविंग दिस विजिट सिंगापुर का फेमस चिकन राइस दिखने में तो बहुत ही सूखा सूखा है बट लेट्स सी हाउ इट टेस्ट्स तो अब हम मरीना सैंड्स बे देख के आ गए हैं और हम लोगों ने अभी अभी लंच किया है एंड फॉर लंच वी हैड चिकन राइस एंड इट वाज रियली टेस्टी लाइक वन ऑफ द मोस्ट टेस्टी थिंग्स दैट आई हैव हैड सिंस आई एम हियर और अभी हम वहाँ से वापस आ गए हैं एंड नाउ वी गोइंग टू द चाइना टाउन एंड अपेरेंटली दिस इज द ओल्डेस्ट लाइक द टाउन हियर इन Singapore, correct me if I'm wrong, but yeah, and it is again beautiful. I'll just show you the view. Black midnight. The next day.
आज का पूरा दिन हमारा आलस में निकला बिकॉज कल रात हमने बहुत लेट नाइट पार्टी करी एंड देन वी वोक अप लेट टुडे और फिर आज पूरे दिन ही हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, वी वॉज जस्ट लेइंग अराउंड. फिर हमने सोचा कि दिन वेस्ट करने से अच्छा यूटिलाइज ही कर लेते हैं. तो फिर भैया की म्यूजिक वीडियो का पार्ट टू शूट होना बाकी था तो अभी हम उसी के लिए लोकेशन पे जा रहे हैं. तो अभी मैंने अपनी मॉडल का मेकअप किया है एंड शी इज़ क्वाइट हैप्पी विद हाउ इट टर्न आउट. मैं आपको दिखाती हूँ हाउ शी इज़ लुकिंग और थोड़ा सा BTS भी दिखाती हूँ म्यूजिक वीडियो शूट का. ये हमारी मॉडल रेडी है. आपको मेकअप कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा. मैं बहुत दूर से आई थी सोने के बाद फॉलोवर्स इंस्टाग्राम से इनका मेकअप. ओह थैंक यू. मुझे फ्यू मिनट तुम अभी आती इट्स अ फैक्ट गाइज. अब हमारा शूट कम्प्लीट हो गया है और ये गाना पता नहीं कब रिलीज होगा पर ये गाना बहुत अच्छा है. मुझे तो इसकी लिरिक्स एंड ऑल एवरीथिंग बहुत पसंद आया है. तो गाना अगर इस ब्लॉग के जाने से पहले रिलीज हो जाएगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट करना. बहुत ही अमेजिंग गाना है एंड एवरीथिंग वेंट ऑन सो स्मूथ, बिल्कुल मजा आ गया. अब हम घर जा रहे हैं और मैं आपको फटाफट से अपने क्रू से भी मिलवा देती हूँ कि कौन कौन हमारे साथ आया था. ये है मेरी मम्मी जो सोफा का रोल प्ले कर रही थी. ये है भाभी जो हमारे सॉन्ग की मॉडल थी. ये हमारे भैया देसी फॉरेनर, इन्हीं का गाना है एवरीथिंग. ये वन मैन आर्मी है. ये हमारे असिस्टेंट कैमरामैन असिस्टेंट डायरेक्टर जो भैया की हेल्प कर रहा था.